जैसे कि आपको पता है, लॉकडाउन में जहां पुलिस विभाग की जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गई, वहीं कुछ जो पुलिस विभाग में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने निरंतर समाज सेवा में भी काम किया और अपनी ड्यूटी भी लगातार करते रहे। ऐसे ही हमारे साथ रितु गिल है जो पुलिस विभाग में अपना काम भी कर रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, और जब भी इनको समय मिलता है ये मास्क बांटते हैं और इस समाज सेवा में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले तो रितु जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो रितु जी, जैसे आप पुलिस विभाग में हैं, जैसे आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं जितनी भी है, उसके अलावा जब भी आपको टाइम लगता है, हमें पता लगा कि आप मास्क भी बांटते हैं, तो कैसे ये दिमाग में आएगा? सर, जैसे कोरोना काल में मास्क की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है लोगों को, तो उनको प्रोवाइड करवाना जरूरी है मास्क वगैरह, तो घर पे कर लेते हैं मास्क का। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि ये घर पे भी जो मास्क बनाते हैं, इनके परिवार में हैं वो बनाते हैं, और इनके अंदर एक जुनून भी है कि ड्यूटी अपनी पूरी करते हैं, उसके अलावा जब भी टाइम मिलता है तो ये मास्क भी बांटते हैं और लोगों के लिए जितना हो सके समाज सेवा में, समाज सेवा कहेंगे क्योंकि कोरोना टाइम में मास्क बांटना या सैनिटाइजर बांटना एक बड़ी समाज सेवा है। तो जैसे आपके मतलब आपकी फैमिली ने बोला या आपके खुद में आया कि इनको बांटा जाए? जैसे सर, जैसे बचपन से ही मतलब लोगों की हेल्प करने की मतलब आदत सी थी, तो मतलब उसी से लोगों को मदद हो जाए, और कोरोना का इतना मतलब प्रकोप है और उनकी हेल्प करने की हेल्प भी हो जाए अच्छे से, तो इसीलिए सोचा मास्क के थ्रू ही थोड़ा हेल्प की जाए। तो रितु जी, आप कहाँ से है और कहाँ आपने पढ़ाई की? जैसे मैं प्रॉपर टोहाना से हूँ, और मैंने अपनी स्कूलिंग बजरंग मॉडल स्कूल टोहाना में, तब उसके बाद फिर गवर्नमेंट स्कूल 2 साल प्लस वन प्लस टू, और ग्रेजुएशन मैंने KM कॉलेज नरवाना से किया है। तो अब आप पुलिस विभाग में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो क्या बचपन में भी जब आप पढ़ते थे कोई ऐसा मन में आता था कि किसी की समाज सेवा की जाए या फिर किसी का ऐसे कार्य किया जाए, या अभी आपके उसमें आया? नहीं सर, बचपन से बिल्कुल बहुत मन में था मतलब लोगों के लिए कुछ किया जाए, मतलब अपने जितना अपना हो सके उतना तो किया ही जाए, सो इसीलिए कोरोना टाइम बहुत मतलब। तो पुलिस विभाग की अगर बात करें तो इसमें भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा मानी जाती है, क्योंकि वैसे तो ड्यूटी रहती है लेकिन जब से कोरोना काल आया, विशेषकर अगर पुलिस विभाग की बात करें प्रशासन की, तो दिन रात जो ड्यूटी दी है, तो आपको मतलब पहले ही आपके जहन में था कि पुलिस विभाग में जाकर आपकी इच्छा थी, या फिर कहीं और भी आप सोचते हैं समाज सेवा की जाए? समाज सेवा तो वैसे की जा सकती है किसी भी तरीके से, लेकिन फिर अच्छा मतलब ये बताएं, जैसे आपने काफ़ी जैसे आपको देख रहे हैं दर्शक, कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितनी मेहनत की आपने, या कई बार हम जैसे लड़कियां की बात करें या लड़कों की, वो ना कुछ पीछे रह जाते हैं किसी भी अपने मंजिल से, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो मायूस ना हो, मंजिल ज़रूर मिलती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और क्या संदेश देंगे आप? अगर हमें मंजिल के को पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो जितनी मेहनत करेंगे उतना ही मतलब मेहनत का फल कहीं ना कहीं ज़रूर पक्का मिलता है, तो लेट हो सकता है मिलता, हाँ लेट हो सकता है लेकिन मिलता ज़रूर है, जितनी मेहनत करोगे उतना फल तो आपको पक्का मिलेगा। तो गर्ल्स को तो पक्का कहूँगी प्लीज़ मतलब अपनी पढ़ाई तो पक्का जारी रखो, और पढ़ाई के बिना तो है नहीं कुछ, और साथ में स्पोर्ट्स का भी अगर किया जाए तो उसे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये रितु गिल है जिन्होंने कहा है कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ना छोड़ें, और ख़ासकर लड़कियों के लिए इन्होंने मैसेज दिया है कि जितना हो उसके खेलों में भी वे समय समय पर भाग लेते रहे। मैसेज देना चाहेंगे कि अपने आसपास जरूरतमंद लोगों की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए? जो लोग अपने मतलब सक्षम है, हाँ वो कुछ कर सकते हैं, मतलब उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मतलब उनकी आय है और उनका मन है, तो उनको जरूर करना चाहिए गरीब लोगों के लिए। तो ये थे रितु गिल जो पुलिस विभाग में इस समय अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इन्होंने जैसे बताया कि विशेषकर अपनी पढ़ाई बिल्कुल न छोड़ें, और दूसरी अगर बात करें तो खेलों में भी जो है लड़कियों को बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, और दूसरी चीज़ इनका जो सबसे बड़ा मैसेज है कि ये पुलिस विभाग में होते हुए भी जब भी इनको टाइम मिलता है, या इनकी फैमिली भी मदद करती है जैसे मास्क घर पे बनाते हैं, और इनको जब भी टाइम मिलता है ये मास्क भी बांटते हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता भी करते हैं।